हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं प्रियंका सिंह अपने यूट्यूब चैनल विजय प्रिया फैमिली व्लॉग्स में आप सभी का वेलकम करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो मैं सुबह से ही स्टार्ट कर रही हूँ और रूटीन शेयर कर रही हूँ अपना। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा। आज की टॉपिक है कि अपने आप सिलाई की स्पीड आप लोग अपने कैसे बढ़ा सकती हैं और दिन में आप कितनी ब्लाउज सिल सकती हैं। तो देखिए, आप लोग आराम से 5 ब्लाउज सिल सकती हैं। तो वो कैसे सिलेंगी मैं आप लोगों को टाइम बताऊंगी, जैसे मैं करती हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, ये है सुबह का टाइम। अभी 5 बजे मैं जगी थी, तो जितना भी था मतलब झाड़ू पोछा बर्तन वगैरह मैंने सारे काम कर लिए हैं, साफ सफाई। अब रह गई थी मैं नहाने के लिए। वहाँ पे मैं अभी छत पे गई थी दूध पकाने के लिए, तो दूध रख दिया था। अभी मैं आ गई हूँ नहा धोकर, कपड़े वपड़े डालने धुले थे जो कपड़े वो डालने आ गई हूँ। तो थोड़ा सा अब मैं यहाँ पे साड़ी में पिन वगैरह लगा लूँगी और बाल वगैरह बांध लूँगी, क्योंकि सुबह सुबह अच्छे से तैयार हो लो ना तो पूरा एकदम मूड फ्रेश हो जाता है और काम भी करने में मन लगता है। अगर ऐसे ही भूत की तरह घूमते रहो तो कुछ काम में मन भी नहीं लगता और टाइम ऐसा लगता है जैसे हम बीमार हों, टाइम बर्बाद हो जाता है पूरा। तो थोड़ा सा हम रेडी हो जाते हैं, फिर उसके बाद मुझे करनी है खाना पकाना है, फिर उसके बाद करना है सिलाई। तो अभी मैं फ्रांसी का टिफ़िन जो है बनाकर देती हूँ, नाश्ता करके सब सारे लोग कर लिए हैं। तो पहले मैं सिलाई करूँगी, मतलब कपड़े की कटिंग कर लूँगी और फिर सिलाई करूँगी। तो आप लोग सिलाई की स्पीड कैसे बढ़ा सकती हैं? तो देखिए, सिलाई की स्पीड तो अगर आप सिलाई कर रही हैं तो आपकी प्रैक्टिस से ही बढ़ेगी। जो भी आप मशीन चलाती हैं पायदान, आप प्रैक्टिस करिए पायदान चलाने की जल्दी। और जैसे कोई भी फटा पुराना कपड़ा है या फिर कोई भी कपड़ा है बेकार, तो उस पर आप सिलाई लगाइए, सीधी लगाइए, जिगजैग लगाइए, जैसे भी मतलब आप सोच कर रखिए कि मुझे ऐसे ही सिलाई लगानी है, या फिर लाइन ड्रॉ करके रखिए कि इसी पे सिलाई लगानी है, मेरी सिलाई उतरनी नहीं चाहिए, ना ही इधर से उधर कहीं भी नहीं होनी चाहिए। तो ये आप सोचकर जब सिलाई लगाएंगी, लाइन ड्रॉ रहेगी, तो आपकी अगर सिलाई उसी पे चल रही है, आप एकदम फास्ट चला रही हैं, तो समझ लीजिए कि आपका जो भी स्पीड है वो बढ़ गया है। अगर आपने जैसे लाइन ड्रॉ करी है उस पे सिलाई नहीं लगी और धीरे धीरे चलाकर आप सिलाई लगा रही हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। अगर ऐसा आप करने लगेंगी तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा बचने लगेगा, क्योंकि जब आप फास्ट सिलाई करेंगी तो टाइम ऑटोमेटिक ही बचेगा। अगर धीरे धीरे करेंगी तो जो काम 10 मिनट का है वो आप आधे घंटे में करेंगी, तो ऐसे ही 20 मिनट फालतू में चला जाएगा आपका। तो आप थोड़ा सा अपने आप अपने ऊपर प्रैक्टिस करिए, मतलब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, टाइम दीजिए अपने ऊपर, आधे घंटे एक घंटे जब भी आपको टाइम मिलता है तो प्रैक्टिस करते रहिए। तो ये जो तरीका है ना प्रैक्टिस का, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। अगर आप जल्दी जल्दी में सिलाई करती हैं, उतर जाएगी सिलाई अगर किसी कस्टमर का है, या फिर धागे वागे जहाँ नहीं लगाने हैं वैसे टेढ़े मेढ़े कर देंगी, तो वो किसी को भी नहीं पसंद आता। अगर कस्टमर का है तो वो तो बिल्कुल ही गुस्सा हो जाएगा, बहुत सारी बातें भी सुनाएगा। तो इन सब से बचने के लिए और आपको ज़्यादा सिलाई करनी है तो प्रैक्टिस ज़रूरी है। ये पहला काम है कि आप यही करें। फिर उसके बाद जो है टाइम बचाने के लिए, आप ना जब घर में सारे लोग खाना वगैरह खा पी कर सो जाते हैं, तो आपको कपड़े की कटिंग कर लेनी है। आप आराम से करेंगे, शांति से करेंगे। अगर आपके पास बच्चे हैं तो दिन में करो, तो बच्चे कपड़े लेकर इधर से उधर भाग जाते हैं। मेरे पास तो हैं 2 बच्चे, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। दिन में कपड़ा काटने बैठती हूँ तो बहुत 1 घंटे लग जाते हैं एक कपड़े कट करने में। अगर वहीं मैं कपड़ा रात में कट करूँ, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं रहता है, अपने बच्चे सो जाते हैं, तब बहुत ही अच्छे से एकदम बढ़िया से कट जाता है कपड़ा, कोई डिस्टर्ब नहीं करता, आराम से काट लेती हूँ। और 1 घंटे में मैं 2-3 सूट हो गए या फिर ब्लाउज हो गए, वो सब कट कर लेती हूँ। तो ज़्यादातर मैं कपड़े रात में ही कट करती हूँ। तो आप लोग भी जब खाली हो जाएं, बच्चे सो जाएं, या फिर बच्चे दिन में कट कर रही हैं तो बच्चे खेलने गए हों, तब कपड़ा कट करें, ज़्यादातर रात में ही करें, ताकि सुबह बस आपको सिलाई ही सिलाई करनी हो। तो सुबह आपको क्या करना है, अगर सुबह उठ गई 5 बजे भी उठ गई, तो आपको क्या करना है, 8 बजे 8:30 बजे जितना भी आपका हो टाइम फिक्स कर लें कि अगर 5 बजे जगी हैं तो 7:30-8 बजे तक मेरा घर का सारा काम हो जाएगा और 2 घंटे खाना पकाने के लिए आप निकाल लीजिए। तो 7 बजे तक घर का काम हो जाएगा, 2 घंटे और करेंगी तो 9 बजे तक आप पूरा फाइनल हो जाएंगी, मतलब सारे घर के काम करके फाइनल
पूरा जो भी किचन वगैरह है, घर के सारे काम आप फाइनल कर लेंगी, फिर आपके पास टाइम बचेगा, 9 से लेकर 10 11 12 बजे तक टाइम ही टाइम रहता है। तो 4-5 घंटे आप सिलाई करेंगी, 2 घंटे में अगर आप एक ब्लाउज बना रही हैं तो समझ लीजिए 10 घंटे अगर आपने सिलाई किया दिन भर में, तो 5 ब्लाउज तो आराम से ही बना लेंगी, बिल्कुल आराम से बना लेंगी। अगर आपको बच्चे नहीं हैं घर में तो ये काम तो बहुत आराम से हो जाता है, अगर बच्चे हैं तो आप 3 4 ब्लाउज तो बना ही लेंगी। तो इस तरह से आप सिलाई करेंगी, रात में कपड़े की कटिंग करें, दिन में सिलाई करें, थोड़ा सा फास्ट चलाएं मशीन, और जो भी कस्टमर हैं उनकी जो फिटिंग है वो आप ध्यान में रखते हुए सिलाई करें। पाइपिंग वगैरह लगाती हैं तो सिलाई पे, मतलब इसमें क्या होता है कि आपका हाथ बैठा होना चाहिए, ये नहीं कि आप पाइपिंग की पट्टी लगा रही हैं और आपका मशीन जिग जैग करके चल रहा है, आप कपड़े को घुमा दे रही हैं इधर से उधर। तो देखिए अभी मैं पाइपिंग लगा रही हूँ, ये जो ब्लाउज मैं बना रही हूँ ये घर का ही बना रही हूँ, मम्मी के लिए मैं बना रही हूँ। तो मम्मी की ब्लाउज इधर हो गए, मैं मुझे 5 6 ब्लाउज बनाते हुए, क्योंकि उनका ब्लाउज ढेर सारी साड़ियाँ थी उनके पास, तो ब्लाउज बनवाना था उनको, तो उन्हीं की मैं अभी पूरा फाइनल कर रही हूँ, उसके बाद मैं कस्टमर के लूँगी, क्योंकि अभी तक मैंने सिलाई बंद कर दिया था, लेकिन अब धीरे धीरे बहुत सारे लोग पूछते हैं सिलाई करती हैं या नहीं, तो मैं बहुत सारे लोगों को मना कर चुकी हूँ, लेकिन अब मैं सोच रही हूँ धीरे धीरे सिलाई करूँ। मेरा बाबू भी बड़ा हो रहा है धीरे धीरे, यही दिसंबर में 2 साल का हो जाएगा, तो थोड़ा सा मुझे टाइम भी मिलने लगेगा, और मैं सिलाई बिल्कुल छोड़ दूंगी तो मुझे ही प्रॉब्लम होगी। सिलवाने को जिसको पहनना है वो कहीं ना कहीं तो सिलवा ही लेता है, बट ये क्या होता है कि जो आस पड़ोस के लोग होते हैं अगर हमसे सिलवाई करवाते रहते हैं तो उन्हें किसी के हाथ की सिलाई बहुत ज़्यादा पसंद आती है। एक तो आसपास के लोग ना दूर नहीं जाना चाहते तो आपको हमेशा पूछते रहते हैं, तो मैं भी सोच रही हूँ थोड़ा थोड़ा मैं अब कुछ टाइम निकाल निकाल कर सिलाई भी करूँगी, थोड़ी मेरी इनकम भी होगी, तो आप लोग भी इस तरह से अपनी स्पीड बढ़ा सकती हैं। अभी मेरा बाबू है तो मैंने सिलाई बंद कर दिया है, वरना मैं बहुत अच्छे से अपना सिलाई का जो है काम करती थी। फ्रांसी के टाइम वो पेट में थी तब तक मैंने सिलाई किया था 7 महीने तक, फिर उसके बाद डिलीवरी के बाद ऑपरेशन शो हो गया तो 1 साल बंद किया था मैंने, फिर से स्टार्ट किया, फिर 4 साल छोटा है प्रांशु, तो प्रांशु जब से पेट में था तब से मैंने सिलाई बंद कर दी थी, अभी तक 2 साल तक समझ लीजिए बंद ही था। उसके पहले मैं बहुत ही अच्छे से सिलाई करती थी, बहुत सारे मेरे कस्टमर थे, अभी तक पूछते हैं कि सिलाई कर रही हैं या नहीं। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप लोग अगर सिलाई करेंगी, स्पीड बढ़ाएंगी तो बहुत ही अच्छा होगा, आप ही के लिए अच्छा होगा, और कस्टमर को खुश करने के लिए आप उनके फिटिंग के हिसाब से ही सिलाई करें जैसा वो चाहते हैं, या फिर डिज़ाइन बनवाती हैं तो उनके मन के हिसाब से आप डिज़ाइन बनाएंगी तो आपके कस्टमर बहुत ही ज़्यादा खुश रहेंगे और आपके पास बहुत सारे कपड़े लेकर आएंगे, अपने साथ नए नए ग्राहक भी लेकर आएंगे जो सिलाई कहीं दूर लेकर जाती हैं। बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है कि मैंने यहाँ ब्लाउज सिलवाया, ये बिगाड़ दी, ऐसे कर दी, वैसे कर दी, तो आप उनकी बातों पर ध्यान दीजिए, वो क्या कहना चाहती हैं, कैसे बनवाना चाहती हैं, जिस तरह से वो बोलती हैं आप सेम टू सेम बनाकर दीजिए, बल्कि उससे बेहतर करने का प्रयास कीजिए। इस तरह से आपके कस्टमर जो हैं बहुत जल्दी बढ़ भी जाएंगे और आपकी इनकम भी अच्छी खासी हो जाएगी। तो इस तरह से अपने बुटीक को चला सकती हैं, घर में हैं, हाउस वाइफ हैं, तो इससे अच्छा क्या ही चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे रात हो गया है, मेरा बाबू सो रहा है, प्रांशु मेरा सो रहा है, यहाँ पे मम्मी हैं जो सब्जी आया था मार्केट से उसको अलग अलग कर रही हैं, और ये दोनों बच्चे रात में जग गए हैं तो फिर यहाँ पे खेल रहे थे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सारे लोगों ने खाना वगैरह खा लिया है, अब रह गई किचन की सफाई करना, तो मैंने बर्तन वगैरह धो लिए हैं, अब मैं ये जो थाली वगैरह प्लेट हैं ये सब जमा देती हूँ यहाँ पे, ताकि जब सुबह ये रात का काम मैं रात में ही फाइनल कर लेती हूँ तो सुबह का टाइम बच जाता है और बच्चों के लिए भी थोड़ा सा टाइम निकल जाता है। तो इस तरह से आप अपने बुटीक को चलाएं, अपना काम करें और बहुत सारे पैसे कमाएं। तो आप लोगों को अगर आज की वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी तो आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। मैं अपने इस चैनल पर सिलाई से जुड़ी सभी वीडियो शेयर करती हूँ, जैसे कटिंग स्टिचिंग हो गई, होम बुटीक कैसे स्टार्ट करें, इन सभी चीज़ों पे मैं बात करती हूँ। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों से फिर से मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए।